जैन, मेरा नाम है श्रीवास्तव और मैं आपका वेदवाल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आज सभी को पता है कि आज हमारा देश भारतीय वायुसेना की 90वीं वर्षगांठ मना रहा है। दोस्तों, ये मौका काफी ज्यादा सराहनीय है और आज मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में, ए टू जेड, जो भी चीजें आपके दिमाग में आती होंगी, जो आपके दिमाग में डाउट्स अभी होंगे वो सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे कि आगे क्या इंडियन एयरफोर्स काम कैसे करती है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये काम कैसे कर रही है, ये किस मेजर वॉरफेयर्स में पार्टिसिपेट की है और सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी जो लेटेस्ट में जितने भी एयरक्राफ्ट आए हैं और जितने भी हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट किया गया है उनमें से कुछ महत्वपूर्ण यानी कुछ इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के बारे में जानेंगे हम लोग इस लेक्चर में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए इंडियन एयरफोर्स के ऑरिजिन के बारे में, लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे बात करते हैं, एक लाइन है सिर्फ, उसको चलिए पढ़िए। 170,000 पर्सनल, 1500 एयरक्राफ्ट, एक ही गोल है कि आसमान को छूना है और आसमान में गए हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं उन सभी को सबसे पहले दिल से नमन है और उनको बहुत ज्यादा सैल्यूट है, ठीक है ना। उनके लिए इज्जत तो दिल से निकलती है और इज्जत होनी भी चाहिए। अगर उनकी इज्जत नहीं होगी तो और किसकी होगी। जो देश के लिए मन मिटने को तैयार है किसी भी वक्त किसी भी सिचुएशन में। तो दोस्तों, चलिए शुरू की जाए हमारी इंडियन एयरफोर्स के बारे में सारी बात। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स का गठन किया गया था 8 अक्टूबर 1932 में। शुरुआती दौर में दोस्तों ये ब्रिटिश एयरफोर्स यानी कि उनकी एयरफोर्स को हम लोग बोलते हैं रॉयल एयरफोर्स, उनके लिए एक ऑक्सिलरी का काम कर रहा था, यानी कि उनके लिए इसमें आप बोल सकते हो कि उनको सिर्फ हेल्प कर रहा था, उनको एक हेल्पिंग हैंड दे रहा था, ठीक है ना। मतलब उनके लिए सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे ये काफी ज्यादा इवॉल्व हुआ, ये सारा कुछ हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके ऑरिजिन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऑरिजिन तो आपने समझा ही समझा, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये किस वॉरफेयर में खुद का पार्टिसिपेशन दिया। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको दोस्तों, ये वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड वॉर टू में दोस्तों हमारे इंडिया से टोटल 4 एयरक्राफ्ट गए थे। जो पहला एयरक्राफ्ट था दोस्तों जो हमारे इंडिया से गया था वो था वेस्टलैंड वापी थी। वो 2 सीटर एयरक्राफ्ट है, उसमें 4 एयरक्राफ्ट गए थे और 5 पायलट गए थे और 1 एयर कमांडिंग ऑफिसर गया था। मतलब कि इन सभी को कमांड करने के लिए सैसी बॉचर नाम करके एक एयर कमांडिंग ऑफिसर गए थे इन सभी के साथ, ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद की बात करते हैं। वर्ल्ड वॉर टू में यह काफी बहादुरी के साथ लड़ा और जापान को काफी ज्यादा हद तक रोका, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटेन और जापान दोनों लड़ रहे थे, दोनों अपोजिट साइड थे, ठीक है। चलिए अब आपको मैं बता दूं, देखिए आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि आखिरकार ये एयरफोर्स का काम क्या होता है। मतलब जिनको पता है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं बता दूं आपको, किसी भी देश का जो एयरफोर्स होता है उसके 2 काम होते हैं। सबसे पहले कि जब वॉर चल रहा हो, किसी दूसरे कंट्री से वॉर चल रहा हो, तो उनको एरियल स्ट्राइक करने में अपना सहयोग देना होता है। सबसे पहला मैंने आपको बताया वॉर के समय यानी कि कॉम्बैट सिचुएशन में एरियल स्ट्राइक करनी होती है। और उसके बाद जब हम दूसरी की बात करें, देखिए होता क्या है कि आप सभी को पता है कि किसी भी देश का जो ट्रेड जोन होता है, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी देश की के अंदर जो जोन आता है समुद्री इलाके की बात की जाए तो वो 200 नॉटिकल मील तक उनका कब्जा होता है। 200 नॉटिकल मील समुद्र में हम लोग दूरी नापते हैं तो उसको नॉटिकल मील में नापा जाता है, ठीक है। तो 200 नॉटिकल मील से पहला 12 नॉटिकल मील में अगर कोई आ गया तो आप उसको बिना वार्निंग के मार सकते हैं। दूसरे 12 नॉटिकल मील में अगर कोई आया तो आप उसको वार्न कीजिए या फिर उससे आप कस्टम ड्यूटी ले सकते हैं। उसके बाद जो बचे हुए 176 नॉटिकल मील होते हैं उसमें अगर कुछ भी नेचुरल रिसोर्स निकला तो वो आपका हो जाता है। तो इस तरीके से ये बटा रहा था कि ये हमें जानना नहीं है, लेकिन 200 नॉटिकल मील तक आपको सिर्फ समझिए कि
यहाँ नेवी संभालती है, लेकिन जब कभी नेवी को एयरफोर्स की जरूरत होगी तो वो तुरंत उसको बुलाएगी। और इसी तरीके से आप समझ चुके होंगे कि जो दूसरा काम है एयरफोर्स का वो क्या है, तो ये कोस्ट लाइन पे भी वॉरफेयर्स कंडक्ट करता है। ठीक है, कोस्ट लाइन पे भी वॉरफेयर्स कंडक्ट करता है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि INS विक्रांत के बारे में आप जाने होंगे, वो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है ना, तो भाई एयरक्राफ्ट कैरियर है तो उसपे क्या लैंड करेगा ना एयरक्राफ्ट, क्यों करेगा? अब समझ में आया? तो चलिए दोनों काम यहाँ समझ में आ गया, कॉम्बैट सिचुएशन में एयर स्ट्राइक या फिर कोस्ट लाइन पे मेजर वॉरफेयर्स पे काम आता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बैच के बारे में। देखिए बैच क्या होता है, किसी भी मैं अगर बात करूं आर्मी नेवी एयरफोर्स इन सब का अपना अपना बैच होता है। बैच मतलब कि लोगो, मतलब कि वो रिप्रेजेंट करता है कि वो पर्टिकुलर डोमेन है क्या, क्या वो आर्मी का है या फिर एयरफोर्स है या फिर नेवी है, उसमें कुछ बातें लिखी होती है, मतलब एक लाइन लिखा होता है और एक सिंबल होता है। मैं आपको धीरे धीरे करके सबको समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं 1932 की, जब एयरफोर्स हमारा बना था, यानी कि जब हमारे एयरफोर्स का उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इसके ऊपर क्राउन है और क्राउन के नीचे ईगल है, तो भाई ये ब्रिटिश क्राउन को शो करता है। ठीक उसी तरीके से जब हमारा देश आजाद हुआ, यानी कि 1947 में जब हमारा देश दोस्तों आजाद हुआ, तो उसमें उस समय भी इसको रॉयल एयरफोर्स के नाम से जानते थे, लेकिन बीच में एक इंडिया आ गया था, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। ठीक है ना, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। लेकिन हालांकि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे इंडिया का ही डोमिनेंस था। ठीक है ना, उसके बाद बात की जाए 1950 में, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर एयर इंडियन एयरफोर्स का नाम रखा गया, तो यस 1950 में जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, जब हमारा देश रिपब्लिक के कैटेगरी में आ गया, उसके बाद इसका नाम रख दिया गया इंडियन एयरफोर्स। तो ये थी पूरी कहानी इसकी इंडियन एयरफोर्स नामकरण की। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं इसके बैच के बारे में। इसके बैच में दोस्तों टॉप पे होता है नेशनल एम्बलम। क्या होता है टॉप पे? नेशनल एम्बलम। वैसे भी आप लोग अगर देखिएगा कि तो किसी भी, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, तो सबके जितने भी पर्सनल्स है सबके कैप पे, मोस्ट ऑफ देम के कैप में क्या होता है, ये एम्बलम होता है। ठीक है ना, ये स्ट्रेंथ को शो करता है। ओके, अब इसके बाद बात की जाए ये हिमालयन ईगल, इसके जस्ट नीचे आप देखिएगा ये है हिमालयन ईगल। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ये किसी भी सिचुएशन में लड़ने को तैयार है, किसी भी सिचुएशन में डरने को तैयार है, चाहे वो सर धूप ज्यादा बरसात गर्मी कुछ भी हो, सब सिचुएशन में ये लड़ने को तैयार है। तो हमारे इंडियन एयरफोर्स भी तो भाई किसी भी सिचुएशन में लड़ने को तैयार है ना। जब बात देश की जाएगी तो इंडियन एयरफोर्स किसी सिचुएशन में तैयार है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहां ये जो आप एक लाइन यहां पे देख पा रहे हो, नव स्पर्श दीप्तम संस्कृत में लिखा है, मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूं। इसका मतलब होता है दोस्तों टच द स्काई विथ ग्लोरी। इसका मतलब होता है, अगर हिंदी में इसका इसको बताया जाए तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि महिमा और गौरव के साथ आसमान को छूना है, और आसमान को छूना ही नहीं, आसमान पर विजय पाना। ठीक है ना, तो टच दिस कोई स्काई विद ग्लोरी इसका मतलब होता है। तो दोस्तों आपने बैच को पूरी तरीके से यहाँ पे समझ लिया। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमारी जो एयरफोर्स, यानी कि इंडियन एयरफोर्स किस तरीके से काम करती है पूरे इंडिया में, थ्रू आउट द इंडिया किस तरीके से ये काम कर रही है, मतलब कि आखिरकार इसको वॉरफेयर कंडक्ट करना है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स भी तो होने चाहिए। क्लियर, तो कुल मिलाकर के हमारे पास 7 कमांड्स है इंडियन एयरफोर्स की, टोटल 7 कमांड्स है। 7 कमांड्स में से अगर मैं आपको बता दूं, चलिए डायरेक्शन से समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं ये नीचे वाला साउदर्न कमांड कौन सा है, तिरुवनंतपुरम केरल में, तिरुवनंतपुरम। उसके बाद केरल का कैपिटल भी दो है। उसके बाद अगर हम आ जाए वेस्ट में, वेस्ट और नॉर्थ का कमांड एक ही है दिल्ली। ठीक है ना, वेस्ट और नॉर्थ का कमांड एक ही है दिल्ली, क्योंकि हमें खतरा किससे है, हमें खतरा इधर से है और हमें खतरा इधर से है। ठीक है ना, तो एक ही कमांड रखा गया है दिल्ली। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग ईस्टर्न कमांड की, तो ईस्टर्न कमांड आता है शिलोंग, और ईस्टर्न कमांड के बाद सीधे आ जाइए साउथ वेस्टर्न कमांड पे। साउथ वेस्टर्न कमांड हो गया यहाँ पे गांधीनगर गुजरात। ठीक है ना,
उसके बाद सेंट्रल कमांड, दोस्तों सेंट्रल एयर कमांड अलाहाबाद जिसे आप प्रयागराज के नाम से जानते हो। तो टोटल यहाँ पे पांच कमांड्स आपने देख लिए, ठीक है ना। उसके बाद जो दो कमांड्स होते हैं उसमें से एक होता है मेंटेनेंस कमांड और दूसरा होता है ट्रेनिंग कमांड। जब कभी एयरफोर्स में न्यू रिक्रूटमेंट किया जाता है तो वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ बैंगलोर में ही। उसके बाद जब कभी मेंटेनेंस चाहिए यानी कि किसी भी एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस का काम किया जाता है तो नागपुर, नागपुर कमांड में, ठीक है, यहाँ पे नागपुर। ओके, ये तो हो गई दोस्तों बात सात कमांड्स के बारे में। अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी कमांड्स है ना ये सब जो है ग्रुप्ड है एयर स्पेस स्टेशन में, एयर स्पेस स्टेशन में ये सब ग्रुप्ड है एयर स्पेस स्टेशन में। जिस तरीके से रेलवे में आप जानते हो कि इसके 17 जोन से 17 जोन बहुत सारे डिविजन पर डिवाइडेड है, तो यस उसी तरीके से तो यहाँ पे आप जोन की जगह पे कमांड ले सकते हो और एयर स्पेस स्टेशन को आप डिवीजन ग्रुप में समझ सकते हो। हालांकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसी को समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो सात कमांड्स ग्रुप है एयर स्पेस स्टेशन में जिसे आप एयर फोर्स बेस भी बोलते हो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एयर स्पेस स्टेशन की अगर बात करूं तो अभी 60 है इंडिया के पास। और इसके बारे में चलिए और कुछ बात समझते हैं। तो यहां देखिए दोस्तों, यहां देखिए ये हो गया एयर स्पेस स्टेशन, आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर पाऊं आप इसे यहां देख सकते हो, ठीक है। यहां है दोस्तों, ये है एयर स्पेस स्टेशन, ये देखिए ये पूरा, ये काफी बड़ा होता है, काफी ऊपर से इसका पिक्चर लिया गया इसलिए आपको छोटा दिख रहा है, ये काफी बड़ा होता है, ठीक है। चलिए ये तो भी एयर स्पेस स्टेशन की अगर मैं बात करूं, अगर दोस्तों मैं बात करूं आपसे जो सबसे बड़ा एयर स्पेस स्टेशन है पूरे एशिया का, सबसे बड़ा एयर स्पेस स्टेशन है तो वो है हिंडन, हिंडन एयर स्पेस स्टेशन। क्या है हिंडन, ये एशिया का सबसे बड़ा, इंडिया का नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयर फोर्स स्टेशन है। ओके, कोई दिक्कत। अब देखिए इसके बाद दोस्तों ये जो एक एयर स्पेस स्टेशन की अगर बात की जाए तो एक एयर स्पेस स्टेशन ग्रुप होता है कुछ विंग्स में, ठीक है, कुछ विंग्स में ग्रुप होता है। मैं आपको धीरे-धीरे समझाऊंगा ये विंग्स क्या है। ये ग्रुप ऑफ स्क्वाड्रन है, ठीक है ना, ये ग्रुप ऑफ स्क्वाड्रन, दो तीन स्क्वाड्रन मिलकर के एक विंग बनाते हैं। इस विंग में होता क्या है, दो तीन स्क्वाड्रन क्या है, स्क्वाड्रन क्या है पहले तो आपको ये समझना जरूरी है। यहां जो आप देख रहे हो दोस्तों एक स्क्वाड्रन में लगभग 12 से लेकर के 24 एयरक्राफ्ट तक उसमें आते हैं, 12 से 24 एयरक्राफ्ट। यहां जो आप देख रहे हो यही है स्क्वाड्रन, आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे एयरक्राफ्ट लगे हुए हैं, लाइन में देखिए कितने सारे एयरक्राफ्ट यहाँ लगे हुए हैं। हो सकता है कि सारे एयरक्राफ्ट एक ही तरह के हो, लेकिन अगर सिचुएशन मान रही है कि भाई डिफरेंट एयरक्राफ्ट का स्क्वाड्रन होना चाहिए तो डिफरेंट एयर स्क्वाड्रन भी हो सकता है। लेकिन जब कभी हमें कोस्टल रीजन में भेजना होता है स्क्वाड्रन को तो वहां पे जो साइज होता है स्क्वाड्रन का वो मतलब कि स्क्वाड्रन का जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स होते हैं वो कम हो जाती है, मतलब वो 3-4 एयरक्राफ्ट भी है तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे लैंड भी तो कराना है ना कहीं ना कहीं, तो एयरक्राफ्ट के लिए उतनी जगह थोड़ी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया ये स्क्वाड्रन, यहाँ हो गया ये विंग, स्क्वाड्रन के ऊपर विंग, विंग के ऊपर एयर स्पेस स्टेशन, तो विंग में 2-3 स्क्वाड्रन, स्क्वाड्रन में 12-24 एयरक्राफ्ट। ओके, अब देखिए दोस्तों अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए और आप भी रहा होगा कि सर सबको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई तो एयर कमांडिंग ऑफिसर चाहिए ना। हाँ जी चाहिए, तो जो एयर स्पेस स्टेशन का जो एयर कमांडिंग ऑफिसर होता है उसे हम कहेंगे एयर कमांडर, एयर कमांडर, ठीक है ना। इसके लिए चाहिए एयर कमांडर, और इस विंग का जो एयर कमांडिंग ऑफिसर होगा वो होगा ग्रुप कैप्टन। क्या होगा, ग्रुप कैप्टन। देखो एयरफोर्स में बहुत सारे रैंक्स होते हैं, बहुत सारे ऑफिसर रैंक्स होते हैं, ठीक है ना। तो सबके लिए एक कमांडिंग ऑफिसर चाहिए, जिसे आप अगर आर्मी की बात की जाए तो उसमें बोलेंगे सीओ, कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात की जाए, ये स्क्वाड्रन की, तो इस स्क्वाड्रन का जो कमांडिंग ऑफिसर होगा उसे हम कहेंगे विंग कमांडर। क्या बोलेंगे, विंग कमांडर, विंग कमांडर। ओके, विंग कमांडर। आपको याद होगा दोस्तों जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था तो अभिनंदन वर्धमान, विंग कमांडर अभिनंदन
मोहतरम, तो वो स्क्वाड्रन के ही कमांडिंग ऑफिसर थे, ठीक है ना। लेकिन उस स्क्वाड्रन में MiG-21 और Mirage-2000 जहाजें गई, ठीक है ना। यहां तक आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, यह आपका पूरा एएसएस स्पेशल एसेशन विंग और स्क्वाड्रन, ये जो पूरा एयरफोर्स होता है वो इसी तरीके से बटा होता है, इसका स्ट्रक्चर ओवरऑल यही है। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स में काफी सारे रैंक्स होते हैं। नीचे से देखिए, ये 5-star रैंक होता है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, ये टोटल 5-star रैंक है, ठीक है ना, 5-star रैंक है, ठीक है, टोटल 5-star रैंक है। तो सबसे ऊंचा पोस्ट जो होता है, जो सबसे ऊंचा रैंक होता है इंडियन एयरफोर्स में, वो होता है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। उसके बाद उसके नीचे 4-star रैंक, 4-star रैंक जिसे हम कहेंगे एयर चीफ मार्शल। और मैं बता दूं कि अभी वर्तमान में जो एयरफोर्स में सबसे ऊंचा पोस्ट है इंडियन एयरफोर्स में, सबसे ऊंचा पोस्ट कौन सा है, तो एयर चीफ मार्शल का ही है, एयर चीफ मार्शल का ही है। अभी तक मार्शल ऑफ द एयरफोर्स के पद पे मात्र और मात्र ये अर्जुन सिंह ही गए हैं, अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, जिन्होंने 1965 वॉर में बहुत अच्छे तरीके से भूमिका निभाई थी एयर चीफ मार्शल के पद पे होते हुए, ठीक है ना। तो इनको 2002 से लेकर के 2017 तक चीफ ऑफ एयर मार्शल रखा गया था। तो अभी तक यही है और इसके बाद कोई नहीं बना ना, इनसे पहले बना, ठीक है ना। अभी भी अगर आप बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल आपसे पूछा जाएगा तो मिस्टर चौधरी है, शायद बीआर चौधरी, ठीक है ना, ओके क्लियर। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे एयर मार्शल, फिर एयर वाइस मार्शल, जितने कमांड्स हैं, अब एयर चीफ मार्शल तो सारे कमांड्स का जो कमांडिंग ऑफिसर होगा वो होगा एयर चीफ मार्शल, लेकिन जितने भी कमांड्स हैं, मान लीजिए पूछा जाएगा आपसे कि सेंट्रल कमांड अलाहाबाद, उसका कमांडिंग ऑफिसर कौन होगा, तो आपके मुंह से आवाज आनी चाहिए एयर मार्शल, जवाब आनी चाहिए एयर मार्शल, ओके। उसके बाद आता है एयर वाइस मार्शल, फिर जो दोस्तों एयर कमांडर, एयर कमांडर अभी मैंने आपको बताया है क्या एयर स्पेस स्टेशन का जो हेड होगा वो क्या होगा, एयर वाइस मार्शल, ये होगा एयर कमांडर, सॉरी ये होगा एयर कमांडर। कोई दिक्कत नहीं ना, हेड नहीं मतलब कि वहां पे एयर कमांडिंग ऑफिसर बोल गए उसको, हेड एक तरीके से इनफॉर्मली बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों विंग कमांडर का जो हेड होगा, मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू, यहाँ लिख देता हूँ एयर स्पेस स्टेशन, उसके बाद यहाँ पे एयर मार्शल, तो कमांड और कमांड्स का जो हेड होगा वो होगा एयर चीफ मार्शल। फिर विंग कमांडर, ये स्क्वाड्रन के हेड होंगे। उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर, ये फ्लाइट के कमांडिंग ऑफिसर होंगे। उसके बाद ये सारी पोस्ट आ जाती है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, पायलट ऑफिसर, ठीक है ना। और आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले एयर चीफ मार्शल तो आपको पता होना चाहिए सुब्रतो मुखर्जी, ठीक है ना, ये बंगाली थे। ये इनके बारे में क्या बोला जाए, इन्हें फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स भी बोला जाता है, इन्हें फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स भी बोला जाता है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स का जनक सुब्रतो मुखर्जी, याद होना चाहिए, ठीक है ना। उसके ये तो दोस्तों बात हो गई है रैंक के बारे में, अब इसके बाद बात करते हैं मेजर वॉरफेयर्स में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हमारी जो एयरफोर्स है वो काफी ज्यादा बहादुर है और इसने अपने बहादुरी का सबूत ऑपरेशन विजय से देना शुरू कर दिया था। ऑपरेशन विजय 1961, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि 1947 में जब पूरा देश आजाद हुआ तो गोवा को आजादी नहीं मिली थी पोर्टुगीज से, इसी के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे कि सर कारगिल में जो ऑपरेशन किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। अरे मुर्खो, कारगिल में जो आर्मी का मिशन का नाम था ऑपरेशन विजय, लेकिन आर्मी का नाम था, ठीक है ना। अब बोलोगे तुम कारगिल में तो ऑपरेशन सफेद सागर इंडियन एयरफोर्स का था, ठीक है ना। तो 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था, इसके तहत ब्रिटिश बिल्ट जेट बॉम्ब का यूज किया गया था। हालांकि हम लोग उस समय डिपेंडेंट थे, ठीक है ना, हम लोग उस समय दूसरों पर डिपेंडेंट थे, खुद से कुछ नहीं बनाया था, यही बोलना चाह रहा हूं, ठीक है ना। इसमें इसकी कहानी मैं बताऊंगा,
बहुत आपको हंसी आएगी कि भाई पोर्टुगीज जहाजों को उड़ने नहीं दिया जा रहा था यहाँ से, ये हालत हो गई थी भाई, और ज्यादा नहीं करो यही होगा। तो 1961 ऑपरेशन विजय क्लियर। इसके बाद बात करते हैं इंडो पाक वॉर 1965। इस वॉर में सबसे पहली बार हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी और इसमें सुखोई SU-7 और MiG-21 जहाजों को इंडक्ट किया गया था। पहली बार सुखोई SU-7 और MiG-21 जहाजों को इंडक्ट किया गया था। तो इसमें इंडो पाक वॉर 1965, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद की बात की जाए तो दोस्तों बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971, इसके बारे में कौन नहीं जानता हो। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर आपको पता है ना, 25-30 हजार पाकिस्तानी सैनिकों ने यहाँ पे सरेंडर कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। इसमें दोस्तों जो दो एयरक्राफ्ट लड़े थे बहुत ही बहादुरी से, वो थे पहला सुखोई SU-7 का एक एयरक्राफ्ट और 3 MiG-21 जहाजें लड़ी थी। इसमें 3 MiG-21 जहाजें और एक सुखोई SU-7, ठीक है ना। तो ये दोनों ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से धूल चटा दिया था। शुरुआती आक्रमण हालांकि PAF ने किया था, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, लेकिन बाद में हमने उसका डट के सामना किया और ये रहा इसका कितना डैमेज हमने दिया था उसको आप यहां देख सकते हो। 4 AP-6 20 टैंक्स, 2 PAF F-86 रेवल, ये देखिए इसका एयरक्राफ्ट है, और सब पूरी सप्लाई ट्रेन को हमने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर आप लोग सभी को पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आता है 1984 का ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत में क्या हुआ था, ऑपरेशन मेघदूत ट्रांसपोर्ट एस्टोर्स ट्रूप्स और एम्यूनिशन, मतलब कि इसमें हमारे एयरक्राफ्ट से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर्स ने काफी बहादुरी से काफी ऊंचे ऊंचे यानी कि सियाचिन ग्लेशियर तक हमारे ट्रूप्स को पहुंचाया, हमारे एम्यूनिशन सप्लाई वहां तक की, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट एस्टोर्स को पूरा ट्रांसपोर्ट किया। तो भाई ऑपरेशन मेघदूत में इस AN-12 और AN-32 हेलीकॉप्टर्स को सल्यूट है भाई। उसके बाद और इसी ऑपरेशन मेघदूत में मैं आपको बता दूं कि सियाचिन ग्लेशियर हम अपने टेरिटरी में लेकर जाए थे, ठीक है ना, कारगिल में हालांकि वो सब ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो भाई इसके बाद बात करते हैं कारगिल, आ गया कारगिल। इसमें जो इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन का नाम था वो था ऑपरेशन सफेद सागर। लेकिन अगर पूछा जाए कि आर्मी भाई इंडियन आर्मी का क्या मिशन था तो वहां पर हो जाएगा ऑपरेशन विजय, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें MiG-21, 27 और 23, हालांकि 27 मेजर रोल में था, 21, 23 MiG-21 और MiG-23 सपोर्टिंग रोल में थे। उसके बाद जैगुआर को सबसे पहली बार इसी में लाया गया था, और उसके बाद मिराज 2000 को भी सबसे पहली बार इसी में इंडक्ट किया गया था और ये हम जीत गए थे। चलो अब ये किसको नहीं पता होगा, बालाकोट एयर स्ट्राइक सबसे ज्यादा जरूरी है जाना। बालाकोट एयर स्ट्राइक को दोस्तों जैसे मोहम्मद के 100 कैंप्स को उजाड़ के रख दिया गया था बालाकोट एयर स्ट्राइक में, और हमारे तरफ से जो दो एयरक्राफ्ट लड़े थे वो थे MiG-21 और इसी के विंग कमांडर थे अभिनंदन वर्तमान, मैं इनके बारे में बताऊंगा। MiG-21 और दूसरा मिराज, ओके। तो मिराज और MiG-21, हालांकि MiG-21 हमारा ऐसा माना जाता है कि दुश्मन के टेरिटरी में जाकर के ध्वस्त हो गया था, और उसी के पायलट थे अभिनंदन वर्तमान, हालांकि ये विंग कमांडर मतलब कि स्क्वाड्रन पूरे स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर यही थे अभिनंदन वर्तमान। इनकी बहादुरी को क्या किया जाए, सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए, सल्यूट है, अभिनंदन वर्तमान को सल्यूट है। उसके बाद दोस्तों बालाकोट स्ट्राइक के बारे में तो आपने समझ लिया, और पाकिस्तान ऐसा दावा करता है कि हमने पूरे के पूरे इंडियन एयरफोर्स के जो भी एयरक्राफ्ट चाहे थे सबको खत्म कर दिया था, और हमारा जो J-17 और F-16 था वो भी नहीं दोस्तों, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि F-16 हमने मार गिरा है। अब बात करते हैं कुछ रिसेंट न्यूज पे दोस्तों, अभी अभी हमारे इंडियन एयरफोर्स ने
चार लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स में कंडक्ट किया गया है। यह चार लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, चार लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को अभी अभी इंडक्ट किया गया और अभी 25 से 30 का ऑर्डर और गया हुआ है और ये पूरा ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड को दिया गया है। इसके बाद यही नहीं बल्कि तेजस, तेजस जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते थे और वो बनेगा हमारे ही देश में, और कौन बनाएगा इन दोनों को, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL। आप यहाँ देख सकते हैं राजनाथ सिंह पूरे अच्छे से कुर्सी बैठे हैं, कोई टेंशन यहाँ पे नहीं है। इसके बाद बात की जाए अगर दोस्तों मैं अभी बात करूं हमारे इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ के बारे में, तो इसमें कुल मिलाकर के 8 से 9 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिसमें से कि पहला है राफेल, इसमें से दोस्तों पहला है राफेल, दूसरा है मिराज 2000, इसके बाद निको है MiG-21, फिर तेजस LCA, सुखोई SU-30 MKI, MiG-27, MiG-21 वहां था, MiG-27, MiG-29 यहां मिलेगा आपको, उसके बाद जैगुआर। तो दोस्तों अभी बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, कोई टेंशन अभी नहीं है, लेकिन अभी और भी ज्यादा लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 200 एयरक्राफ्ट की और भी जरूरत है, डिफरेंट डिफरेंट एयरक्राफ्ट की जरूरत है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ बात हो गई कंप्लीट, अभी जो लेटेस्ट में जो एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया गया है वो भी मैंने आपको बता दिया, जो भी ऑर्डर मिला है वो भी मैंने आपको बता दिया, और जो मेजर वॉरफेयर चलते आ रहे थे यानी कि 90 साल में एयरफोर्स की बहादुरी का सबूत वो भी मैंने आपको दे दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा लेक्चर होता है समाप्त। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा और मैं आशा करता हूँ कि मैं इसी तरीके से वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं। और एक बात और, अगर आपको ये पूरा समझ में आया तो आप लोग प्लीज इसको शेयर कीजिए, ताकि और जो दूसरे लोग हैं जो इस इंफॉर्मेशन से वंचित है वो भी इसका लाभ उठा पाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।